आज मेरे साथ में पेशेंट हैं, धर्मेंद्र नाम है इनका, और ये काफ़ी टाइम से गुटखा का सेवन कर रहे थे, मगर अभी इनको कुछ रियलाइज़ हुआ है कि मैं गुटखा खाने से मुझे क्या परेशानी हो रही हैं और क्या दिक्कतें हो रही हैं इनको। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटिव है, एक मकसद है कि जो लोग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं 1 बजे से लेके दिन में 3 बजे तक फ़ोन कॉल लेता हूं सभी लोगों के, जो लोग गुटखा, तंबाकू, जर्दा, पान, सुपारी और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इनका जिनका इश्यू रहते हैं उन सबके कॉल लेता हूं और उनकी समस्याओं को हम सॉल्व करते हैं। तो इसी बीच में ये जो मेरे साथ धर्मेंद्र हैं, पेशेंट हैं एक, तो मैं कि इनके माध्यम से कुछ जो लोग गुटखा खा रहे हैं शायद इनको देख कर, इनकी जो परेशानी को देख कर वो छोड़ पाएँ। और इनको थोड़ा सा हमने इनसे बात की, मगर अभी ये बता रहे हैं कि मेरी सगाई हो गई। सर, मैं जनरली सवाल करूंगा कि ये कब से खा रहे थे, इनको क्या दिक्कत हो रही है और अब ये गुटखा। तो ये धर्मेंद्र है, अभी जैसे मैंने बताया कि गुटखा खाता था काफ़ी टाइम से ये, मगर अभी बंदे ने छोड़ दिया है गुटखा। और कि जो लोग गुटखा खा रहे हैं और इनके माध्यम से वो ये अपनी परेशानी बताएंगे कि क्या इनको प्रॉब्लम हुई है और आगे चल के कोई और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो ये अपने कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर करेंगे और लोगों को बताएंगे कि गुटखा खाना कितना फ़ायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो चलिए थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, धर्मेंद्र से, ठीक है ना? क्या नाम है तुम्हारा? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र, तो धर्मेंद्र ये बताओ तुम जो गुटखा खा रहे थे कब से खा रहे थे? थोड़ा 2 या 3 साल। तेज बोलो। 2 या 3 साल। 3 साल से गुटखा खा रहे थे। तो ये बताओ गुटखा मतलब कैसे स्टार्ट किया तुमने? कैसे किया मतलब, किसी ने खिलाया कि तुमने खुद ने स्टार्ट कर दिया? मैं तो ऐसे दोस्त यारी में खा लिया था। दोस्त यारी में स्टार्ट हो गया। फिर अभी तुम मतलब जब से गुटखा खाते हो तो अभी दिन भर में कितना गुटखा खा जाते हो? ये क्या, 2-3। तीन गुटखा खा जाते हो। तो गुटखा खाने से, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि सभी लोग गुटखा खाते हैं तो गुटखा खाने से मतलब क्या होता है, कुछ फ़ायदा होता है क्या? फ़ायदा कुछ नहीं है, नुकसान है। और क्या मतलब, क्या नुकसान हो जाता है? कुछ नहीं, मुँह चलता रहता, टाइम पास हो जाता है। और टाइम पास हो जाता है। और जैसे बताते हैं कई लोग गुटखा खाने से दिमाग तेज चलता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। और कई लोग बताते हैं कि से नींद नहीं आती गुटखा खाने से। अपने साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। कई बोलते हैं कि यार हमारा तो दिमाग चलता है और या मतलब पेट साफ नहीं होता, ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो दिन में खा लेते हैं, रात में खाने की चीज़ थोड़ी है। अच्छा ठीक है। हाँ। तो अभी ये बताओ कि तुम गुटखा खा रहे थे तो अभी तुम्हें क्या परेशानी है, मतलब हो रही है, मतलब क्या कुछ समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम क्या, बस कमजोरी सी है और कुछ नहीं। हाथ पैर दर्द करती है थोड़ा सा। हाँ, हाथ पैर दर्द करती है, जहाँ पर थोड़ी बहुत जलन हो जाती है। ठीक है। और भूख कैसी लग रही है अभी? भूख तो लगती नहीं है। भूख लगती नहीं है। कितनी रोटी खाते हो? एक या दो, वो भी दोपहर में। सुबह तो मैं खाते नहीं हूँ। तो मतलब पूरे दिन में कितनी रोटी खा पाते? तो मतलब भूख भी नहीं लग रही और हालत भी डाउन हो रही है। ठीक है। और मुंह के अंदर मिर्ची मसाले ज़्यादा तेज लगते हैं क्या? मतलब जैसे अभी नतीजा ये निकला कि फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है? नुकसान ही है, फ़ायदा तो होता है, होगा थोड़ी इससे। अच्छा ठीक है। तो जो लोग गुटखा खाते हैं उनको क्या बोलना चाहोगे तुम? यही बोलना चाहूँगा कि ना खाएं बस। अच्छा। हाँ। और जैसे अभी कोई, जैसे मान के चलो गुटखा खाने से कई लोगों को मुंह का कैंसर हो जाता है और काफ़ी लोगों ऐसे हो रहे हैं, तो अब उनको कुछ बता सकते हो कि गुटखा खाना चाहिए कि खाते रहना चाहिए या बंद कर देना चाहिए उनको? नहीं खाना चाहिए ना, खाना के लिए कोई अच्छी चोरी तो ये अच्छी चीज नहीं। ठीक है। नहीं खाना चाहिए। जो खा रहा है वो तो फिर छोड़ देना चाहिए उसको। हम छोड़ रहे हैं, अब ऐसे छोड़ देना चाहिए। तो अभी जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो हम डाल सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं क्या? कर दो, अपलोड कर सकते। विथ योर परमिशन? हाँ कर दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत नहीं है। कर दो। ठीक है। थैंक यू धर्मेंद्र। तो ये धर्मेंद्र थे, इनसे हमने बात की और इनके कुछ इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किए और इनसे क्या मतलब इन्होंने पूरा ओवरऑल बताया कि कैसे इनको गुटखा खाना छोड़ मतलब फ्रेंड सर्कल में खाया। तो देखिए दोस्तों, ये जो संगत है दोस्तों की, ये कभी आपको अच्छी बात नहीं सिखाएंगे। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपको अच्छाई के मार्ग पर या अच्छाई की बातें सिखाएंगे, अच्छे काम करना सिखाएंगे। गलत काम व्यक्ति बहुत जल्दी सिखा देता है और बहुत जल्दी सीख भी जाते हैं। मगर चलिए, ये जैसे बोलते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो ये इनकी बात में समझ में आ गई कि इनको प्रॉब्लम होने लगी तो इन्होंने गुटखा खाना छोड़ दिया है। और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और ये लोगों को, ये हो सकता है कि इनको देखकर कुछ लोग अपना गुटखा खाना बंद कर दें और उनकी अपने जीवन में कुछ बेहतर हो सके।
तो दोस्तों मैं हेल्थ से रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियो ले आता हूँ, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। मैं हेल्थ से संबंधित अपने चैनल पर वीडियो लेके आता रहता हूँ, और बहुत जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।